अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एम राजेंद्र यादव, एआईएमआईएम 65 कार्बन डिवीजन कॉर्पोरेटर। मैं हरदिल अजीज केसीआर साहब को और हरदिल अजीज केटीआर साहब को दोनों को ट्वीट किया है। ट्वीट इस संदर्भ में किया है कि आज सारे लोगों को पता है, जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है सो वाले जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग आज बेहद परेशान हैं। उनको अब तक 40 दिन हो गया लॉकडाउन होकर, अब तक वो लोगों को अभी तक कुछ भी राशन और अमाउंट कुछ भी तकसीम नहीं किया गया सरकार की ओर से। तो मैं हमारे हरदिल अजीज केसीआर साहब और केटीआर साहब से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ऑर्डर इश्यू करिए, क्योंकि ये लोग बेहद बहुत परेशान हैं। अब तक मेरे 65 कार्बन डिवीजन के अंदर 3 से लेकर 5 हजार तक लिस्ट बना हुआ है, और उस लिस्ट को मैं जैसा जैसा मेरे को लिस्ट भेज रहे हैं हमारे एरिया के एमआईएम पार्टी के सदर, वो लोग जो लिस्ट भी आ रहा है वो लिस्ट इमीडिएटली मैं आसिफ नगर एमआरओ मेरे जुरिस्डिक्शन में जो आता है मैं उनको फॉरवर्ड कर रहा हूं। वो लोग भी मुझे बार बार बता रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट से ऑर्डर आना कहकर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आज केसीआर साहब को और केटीआर साहब को ट्वीट किया गया हूं, क्योंकि ये जो मेरे डिवीजन के अंदर कम से कम बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर जितने भी है वो लोगों के लिए जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन तकसीम सरकार के ओर से होना चाहिए, और कुछ पैसे भी जैसा राशन कार्ड वालों को पर हेड 12 किलो चावल और 1500 रुपए अमाउंट जो अकाउंट में डाल रहे हैं, वैसे ही ये जो विरोधी पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे लोगों को भी आप सरकार की ओर से देना चाहिए और मंजूरी करना चाहिए। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं हरदिल अजीज सीएम साहब को और केटीआर साहब को, ये रमजान का महीना है, पाक महीना है, पवित्र महीना है। मेरे डिवीजन में बहुत सारे मुसलमान भाई भी जो गरीब तबके के हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, रमजान के मास में उपवास के अनंतर वो लोग रोजा खोलने के लिए भी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो वैसे लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मंजूरी राशन का होना चाहिए, और वो लोग रमजान के मास में अच्छा अल्लाह ताला भगवान की कृपा से वो जिंदगी गुजारें, या नहीं तो ऐसा परिस्थिति आने वाला है। क्योंकि मैं आंखों से हमारे डिवीजन में मैं जाके देख रहा हूं, ऐसा परिस्थिति है लोगों का। अगर कोरोना वायरस एक तरफ और एक तरफ से ये जो राशन कार्ड नहीं रहने की वजह से कुछ भी राशन नहीं मिलने की वजह से आने वाले दिन में ऐसा न हो कि वो भूख मारी मरे और भूख से मर जाए, तो मैंने कि हरदिल अजीज केसीआर साहब से पूरा उम्मीद और भरोसा है। वो गरीबों का नेता है, वो गरीबों को खिदमत करने वाले हैं, और मैं पूरा उम्मीद और भरोसा रखता हूं कि गरीबों को कुछ करने वाले हैं। जैसा उन्होंने जो प्रवासी जो श्रमा जो लेबर है जो माइग्रेंट्स है उनके लिए पर हेड 12 किलो चावल और 500 रुपए देकर उनको भरपूर सहायता किया गया है, वैसे ही जो हमारे तेलंगाना के हैं, जो मुखामी हैदराबाद के हैं, तो मुखामी कारवान डिवीजन के हैं, वैसे लोगों को जो रेशन कार्ड नहीं है उनके लिए आप भरोसा देना चाहिए साहब, उनके लिए आप पूरा भरपूर मदद करके उनको भी ये रमजान में महीने के अंदर बहुत सारे मुसलमानों को भी और SC ST BC माइनॉरिटीज बहुत सारे मेरे डिवीजन में हैं, अब तक 3 से लेकर 5 हजार तक लिस्ट मुझे आया गया है। तो इसीलिए मैं और एक बार केटीआर साहब से और सीएम साहब से दोनों से भी मैं गुजारिश करता हूं, और वैसे ही हमारे हरदिल अजीज हमारे पार्टी AIMIM के सदरे मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब MIM फ्लोर लीडर तेलंगाना स्टेट के और हमारे चंद्रानुटा MLA और रुकने असेंबली कारवां कौशल मोहिद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट और अपील करता हूं
कि गरीब आवाम के लिए वो नुमाइंदगी करकर केसीआर साहब को और केटीआर साहब को उनको ये परिस्थिति बताकर गरीबों का खिदमत करने के लिए और गरीबों का सेवा करने के लिए और सीएम साहब से मंजूरी दिलाने के लिए आज ये कोविड-19 कोरोना वायरस से बेहद लोग बहुत परेशान है। अब तक 40-50 दिन होने आ रहे हैं, इसीलिए मैं पूरा भरोसा और उम्मीद रखता हूं कि केसीआर साहब से और हमारे अर्जी अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और रुकने असेंबली कारवान एमएलए साहब से पूरा भरोसा करता हूं कि जल्द से जल्द मंजूरी दिलाए और जल्द से जल्द नुमाइंदगी कर ये गरीबों को बचाकर उनको पूरा मदद करने के लिए मैं कोशिश करता हूं और अपील करता हूं। जय हिंद, MIM जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद और हमारे एमएलए कौशल मोहिद्दीन साहब जिंदाबाद।